तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सिंपली क्या करते हैं दोस्तों, अपने चलते हैं प्ले स्टोर में, जहाँ से हम कोई एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने प्ले स्टोर, देखिए दोस्तों हमारा ये प्ले स्टोर है। इस प्ले स्टोर में आएंगे और यहाँ से सिंपली से टाइप करेंगे एम आधार। यहाँ पर जब हम टाइप करेंगे एम आधार लिखेंगे, यहाँ से एम आधार, जब एम आधार लिखेंगे तो सिंपली से देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये नेम मैंने लिख लिया एम आधार। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए एम आधार, एम आधार। देखिए दोस्तों आप, मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन जब करेंगे तो क्या करता है कि कुछ परमिशन मांग रहा है, उस परमिशन को दे देंगे हम। यहाँ से अलाउ कर देंगे, फिर यहाँ से अलाउ कर देंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस जब आएगा तो उसको हम यहाँ से लिखा है, देख पा रहे हैं आप, गेट स्टार्ट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको इधर आ रहा है क्लोज का एप्लीकेशन इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रीन बटन दाबेंगे यहाँ पर, और जब ग्रीन बटन दाबेंगे तो हमारे सामने इस तरह का आएगा लैंग्वेज चुनने का, मतलब जो अपनी भाषा है चुनने का। आप चाहें कोई भी भाषा चुन दे, तो हमें क्या करना है, हमको इंग्लिश ही भाषा रहने देना है, रहने देना। और यहाँ पर नीचे सबसे आके डन कर देना है, और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जब कंटिन्यू करेंगे तो आपसे मांग रहा है मोबाइल नंबर, तो दोस्तों हम मोबाइल नंबर को डाल देंगे, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर हम डालें। चलिए दोस्तों नंबर डाल देते हैं। चलिए दोस्तों मैंने नंबर डाल लिया है, क्या करते हैं दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद आपको जो आपने नंबर डाला है, इस नंबर पर आपको एक OTP आएगी सिंपली से, ये देखो दोस्तों OTP आएगी, आपके फ़ोन पे आ चुकी है। चलिए दोस्तों हम इस OTP को डाल लेते हैं, देखिए। चलिए दोस्तों मैंने ये जो हमारे नंबर पे OTP आई है, OTP इसको डाल लिया है। OTP जो आपके मैसेज, जो आपने ये मोबाइल नंबर डाल रखा है उस पर आपकी एक मैसेज आया था, इसमें जो 6 अंकों का OTP होता है उसको डालने के बाद क्या करते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और जो सबमिट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। लिख क्या था, डाउनलोड आधार कार्ड और TV ED। दोस्तों हमको क्या करना है, सिंपली से हमको उसे, दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे आना है, ऊपर से अगर आप गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 7वें नंबर पे आधार सर्विस के अंदर आएंगे। तो 7वें नंबर लिखा है जनरेट विजुअल ID। दोस्तों जनरेट विजुअल ID पे हम क्लिक करेंगे, दोस्तों विजुअल ID पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है, आधार नंबर डालेंगे। दोस्तों विजुअल ID हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि हम अपना आधार कार्ड कोई हमारा हैंग नहीं कर सकता, कोई कुछ उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कोई आपका आधार कार्ड मांगता है तो आप उसको जो 16 अंकों की विजुअल ID आपकी तैयार होगी आप उसको दे देंगे, और आपका जितना काम वो अपने काम करने के लिएगा उतना ही कर सकता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों मैंने आधार नंबर डाल लिया है, उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है 2527, ये कैप्चा नीचे हम भर लेते हैं, ये दोस्तों 2527, ये कैप्चा भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे रिक्वेस्ट OTP आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो आपका मोबाइल नंबर साथ में लगा होगा, जो आधार कार्ड साथ में, वहाँ पर दोस्तों एक OTP आएगा, वहाँ पर वो डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने जो OTP आई थी उस नंबर पे मैंने डाल ली, 6 अंकों की OTP आएगी। यहाँ पर क्या करना है, लिखा जनरेट विजुअल ID, तो जनरेट विजुअल ID पे हम क्लिक करेंगे। जो आपका जो मैसेज है उस मैसेज पे आपका, ये देखिए दोस्तों लिखा है कंग्रेचुलेशन। और जो हमारी विजुअल ID है वो हमारे मोबाइल नंबर पे, जो हमारा जो मोबाइल नंबर है जिस आधार कार्ड से लिंक है, रजिस्टर्ड है, उस नंबर पे भी पहुंच चुका है मैसेज। और यहाँ देखिए हमारा ये 16 अंकों का आ गया है, ये देखिए दोस्तों इस 16 अंकों की हमारे
विजुअल आईडी आ गई, इसको हम लिख सकते हैं और या तो कहीं पे रख सकते हैं, और जो नंबर है उस नंबर पर और या ईमेल आईडी भी आ चुकी है। दोस्तों ये हमारे काम आती है बहुत, क्योंकि दोस्तों हम हर जगह आधार नंबर बता नहीं सकते, आधार नंबर किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको कोई भी हैंग कर सकता है और हैंग करके आपको मतलब पूरा पूरा बैंक अकाउंट भी साफ कर सकता है। दोस्तों इसीलिए क्या करते हैं कि विजुअल आईडी बना लेते हैं, और विजुअल आईडी बनाने के बाद अपने इसको कहीं पर लिख के रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो जो इंसान जिस काम के लिए मांगता है उसी काम को उसको देगा, तो उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को पता चल सके और फिर लोगों अपने आप विजुअल आईडी जनरेट कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।